नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं, मीन्स जय श्री राम के बारे में, आई मीन लॉर्ड हनुमान के बारे में। जब हम जय श्री राम कहते हैं या फिर सिया राम कहते हैं, वहां पर हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो जैसे कि कृष्णा राधा के नाम से आ जाते हैं, वैसे लॉर्ड हनुमान सिया राम के नाम से आ जाते हैं। ओके, आज मैं लॉर्ड हनुमान के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार हमेशा हम लॉर्ड हनुमान को ही मानते हैं। और तमिलनाडु में हमेशा कार्तिक करके गॉड है, जो शिव जी के बच्चे हैं, उनको मानते हैं ट्यूसडे को। बट मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूसडे, मीन्स जो भी भक्त हैं हनुमान के, वो ट्यूसडे हनुमान को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, और हनुमान किससे पैदा हुए थे, मीन्स वायु और अंजना से। वायु का एक और नाम है केसरी, इनसे ही वो लॉर्ड हनुमान इस दुनिया में आए थे। और लॉर्ड हनुमान शिव जी ने इस दुनिया में मेला भेजा था, क्योंकि लॉर्ड रामा को हेल्प करने के लिए। तो वो वायु और अंजना से ही इस दुनिया में आते हैं। और इस दुनिया में आते क्या होता है कि वो बचपन में उनको मैंगो बहुत पसंद था, तो मैंगो खाने के लिए बहुत ढूंढते हैं उसकी उस जगह में, उस धरती में, बट उनको कभी वहाँ पर सीजन नहीं था, तो उनको वो मैंगो नहीं मिलता है। तो तभी आसमान में येलो कलर में कुछ दिखता है, तो वो उसकी तरफ उड़ के चले जाते हैं। तभी क्या होता है कि इंद्र देखते हैं, तो इंद्र देख के अपने वायु हनुमान जी ने वो सन खा लेते हैं। और इंद्र क्या करते हैं, वो वायु, उनका वायु ना हनुमान जी को अटैक कर देता है। फिर क्या होता है कि वायु ने वज्रा से अटैक कर देते हैं। तो वायु क्या करते हैं, वायु लॉर्ड हनुमान के गॉड फादर है, मीन फादर है, वो बहुत गुस्सा होकर जो भी फ्लास्क, जो भी लिविंग थिंग्स है ना, वो सब ब्रीथलेस हो जाते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। तभी क्या होता है कि इंद्र और आदर गौर आके इसको बहुत सारे बूंद देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बूंद देते हैं, वो क्या है, कोई भी वेपन लॉर्ड हनुमान को नहीं मार सकता। और लॉर्ड हनुमान अपनी मर्जी से मर सकता है, उनको कोई नहीं बुला सकता, यमराज भी उनको नहीं बुला सकता। वो इसलिए इस वरदान के बाद में वो एक वानर बन गए, और वानर बन के सबकी मदद कर देते। और लॉर्ड हनुमान हमेशा लॉर्ड रामा के बहुत बड़ी डिवोटी थे। ओके, और यही है उनका इस धरती में मीन्स इमॉर्टल रहने का। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, मीन्स जब वनवास फिनिश होके लॉर्ड हनुमान और रामा सब एक साथ रहते हैं उस अयोध्या में, तभी एक दिन सीता माँ अपने सर पे केसरी लगाया हुआ लॉर्ड हनुमान नोट करते हैं। तभी लॉर्ड हनुमान पूछते हैं अपनी सीता माँ से कि आप ये सर पे क्यों लगाते हो करके। तो सीता माँ ने ये बताया कि जब भी एक शादीशुदा हो जाती है, तो वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये सब करती है करके। तो लॉर्ड हनुमान क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर में वो वर्मेलियन लगा देते हैं, ताकि अपने जो गॉड है, आई मीन अपने जो रामा है ना, वो इमॉर्टल रह करके। तो वो अपने पूरे शरीर में वो केसर लगा देते हैं, वो वर्मेलियन लगा देते हैं। तभी क्या करते हैं, वो दरबार में आ जाते हैं और सब ये बोलते हैं कि, सब बहुत हंसते हैं। तो लॉर्ड रामा ये सोचते हैं कि ये मेरा बहुत भक्त है, मुझे इस पे नहीं हंसना चाहिए। और ये बोल देते हैं रिस्पांस में कि जो भी ट्यूसडे गॉड हनुमान को ऑयल और ऑयल में भिंजा हुआ केसरी लगाएंगे, वो मेरे बहुत बड़े डिवोटी होंगे करके, और वो मेरे डियरेस्ट भी होंगे करके बोल देते हैं। तो हनुमान बहुत खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सिर्फ औरतें लगाती हैं। और फिर इस रिस्पॉन्स से हनुमान बहुत खुश हो जाता है, इसलिए हम ट्यूसडे केसरी कलर का कुकू सर पे लगाते हैं हनुमान के नाम पर। और हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी है, उन्होंने कभी शादी नहीं की। इसका यह मतलब नहीं कि उनका कोई लेडी भक्त नहीं हो सकता करके, हम औरतें भी उनका भक्त हो सकते हैं, बट जब पूजा करते तो उनके पास हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बाल ब्रह्मचारी है। बट वो हमेशा लड़कियों की इज्जत करते थे, आई मीन वुमन की इज्जत करते थे, और वो इस धरती पे अभी भी है करके बोलते हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगी, उससे पहले आप थोड़ा फिर देखते कि क्या लोग क्या बोलते हैं, वो इस धरती में है कि नहीं करके। ओके, ये है वायु और अंजना, और ये वही माउंटेन है जहाँ पर लॉर्ड हनुमान बर्थ हुए थे। और ये फ्लावर है जो हम हनुमान के लिए यूज करते हैं, उनके पूजा के लिए, उनको प्राइज करने के लिए यूज करते हैं। और ये सब ट्रेसेस हैं कि हनुमान अभी भी इस दुनिया में है करके। और वो उस पर्वत में, हिमालय पर्वत में मेडिटेट करते हैं, श्री नाम का मेडिटेट करते हैं, और एवरी 41 ईयर्स वो इस दुनिया में आते हैं करके। बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे रिसर्च ने प्रिडिक्ट किया है, और वो स्टिल अलाइव अराउंड हियर करके बोलते हैं। और उनके फुटप्रिंट को बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, और उनके फुटप्रिंट के पास एक मूर्ति भी है जो बहुत सारे लोग जाके पूजा भी करते हैं,
वो हिमालयस में है और एक कलयुग है इसमें ही हनुमान अभी भी जिंदा है करके बोल रहे हैं। और ये उनका रेजिडेंस था जब वो इस दुनिया में थे, जब महाभारत और रामायण हुआ था। और उनका एक सीक्रेट है से हम उनको देख सकते हैं, यही है वो सीक्रेट। और वो सीक्रेट पढ़ने के लिए 98 मीटर्स ह्यूमन से अवे रहना पड़ता है, और वो सीक्रेट क्यों पढ़ रहे हैं करके पता भी होना चाहिए। आपको इस सारे वीडियो देखने के बाद थोड़ा डाउट आ गया होगा कि हनुमान जी इस दुनिया में हैं या क्या हम उन्हें देख सकते हैं करके। हिमालय पर्वत में जाके उनकी मूर्ति हम देख सकते हैं, पर उनको नहीं देख सकते क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। वो एवरी 41 ईयर्स सबको दर्शन देते हैं करके बहुत सारा रिसर्च बोलता है, कहता है। और आपको मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपने वीडियो एंटरटेनमेंट भी लेना चाहती हूँ। मैं पहले इस वीक का जो जो गॉड हम प्रे करते हैं उनके बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं हर वो इवेंट्स के बारे में बताऊंगी जो हम हिंदू लोग का होता है, उसमें एंटरटेन भी होता है। मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं करना चाहती। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी से करती हूँ तो इंटरेस्टेड नहीं है करके, मैं ये एंटरटेनमेंट भी करना चाहती हूँ और यंगस्टर को स्पिरिचुअलिटी बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे इन बारे में नहीं पता है, मैं ये सब पता करके आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि ताकि मेरे जैसा आप भी जीरो ना बने हिंदू रिचुअल्स में, ओके। और इन सबसे आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी, एंड थैंक यू सो मच। ट्यूजडे इज फॉर लॉर्ड हनुमान, मंदिर जरूर जाएगा लॉर्ड हनुमान का जब लॉकडाउन पूरा ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।